हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपा और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर का एक ऐसा रेसिपी जो जब भी हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, पनीर का डिशेस सर्च करते हैं, तब उसके ऊपर हम लोगों का नजर सबसे पहले चला जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ाई पनीर, रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ाई पनीर। तो चलो मैं आज बनाती हूँ झटपट से, मेरे तरीके से। मेरे साथ रहो और देखते रहो कड़ाई पनीर का रेसिपी। तो लेट्स स्टार्ट। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए चाहिए पनीर, ये कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, बे लीव्स, लौंग, इलायची, ज़ीरा, ब्लैक पेपर और दालचीनी, कसूरी मेथी। और इधर पे मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और ऑयल। इधर पे नमक, नींबू, आधा नींबू, एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा और इधर पे मैंने कैप्सिकम को भी ऐसे डैश में कट कर लिया और ओनियन को भी। और इधर पे मैंने लिया है दो टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और एक मीडियम साइज के ओनियन को ऐसे बारीक काट लिया है। तो चलो बनाते हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया और अभी डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल गरम हो गया है और इसके अंदर डालना है ये लौंग, इलायची, काली मिर्च और साथ ही साथ जीरा। इसके साथ साथ ऐड कर देना है प्याज। अब इसको ऐसे मिला लेना है। थोड़ा सा मैं इधर फिर नमक ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ ऐड करना है अदरक और लहसुन के कलिया और इसको भी मिला लेना है। एक मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। अभी इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और टमाटर को गलने देंगे। इसके बाद इसका प्यूरी बना लेंगे क्योंकि ये ग्रेवी एकदम स्मूथ बनेगा। इसके लिए इन सारे को अभी थोड़ा सा फ्राई करके पेस्ट बना लेना है। तो टमाटर को गलने के लिए 2 मिनट दीजिए। मेरा टमाटर अभी देखो इतना गल गया है, ये पक गया है और इसको अभी ठंडा करने के लिए मैं रख दूंगी। थोड़ी देर बाद ब्लेंडर जार में देकर ब्लेंड कर लूंगी। तो अभी गैस को ऑफ कर देती हूँ। अभी मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया और ये प्याज को फ्राई कर लेंगे। बस शैलो फ्राई करना है, तो कच्चा ही रखना है, हाई फ्लेम से बस शैलो फ्राई। फ्लेम को ये फ्राई करने का बस हाई में ही रखी है। तो ये हमारा फ्राई हो गया, ये अभी उठा लेंगे। और उसी ऑयल पे मैं अभी डालूँगी ये पनीर। ये मैंने नमक और रेड चिली लगा के मैरिनेट करके रखा था 10 मिनट के लिए। इसको भी शैलो फ्राई करना है ऐसे ऐसे। सारे पनीर को
ऐसे पलटते पलटते देखना है कि हो रहा है या नहीं। शैलो फ्राई होने में तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो ऐसे ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ऐसे एक एक करके पलट देना है, नहीं तो पनीर टूट सकता है। तो एक एक करके ऐसे मैं पलट रही हूँ। पनीर मेरा फ्राई हो गया है, इस वक्त में मैं ऐड कर दूंगी यह शिमला मिर्च, इसको भी ज़रा सा सौते कर देना है, तो इसलिए एक साथ दे दिया। ऐसे टॉस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, अभी गैस को ऑफ कर देंगे, इसको प्लेट में डाल देंगे। तो मैंने अभी उसी पैन को फिर से चढ़ा दिया और अभी मैं डालूंगी एक तेजपत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा। तो मैंने ऐड कर दिया वो प्यूरी और ऐसे चला रही हूँ। एक मिनट बाद हमें ऐड करना है एक चम्मच रेड चिली पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर, और इसको भी ऐसे मिला देना है। इसको तब तक चलाना है जब तक ना ऑयल इसके अंदर से निकल आए। तो तेल अभी ऊपर आने लगा है, देख लो। तो एक बार चला लेना है इसको। फिर से एक मिनट के लिए छोड़ देना है। तो इसके अंदर अभी मैं ऐड करूंगी काजू पेस्ट। काजू को मैंने पीस लिया, 5-6 काजू को ऐसे मिला दूंगी। और इसको भी फिर से एक मिनट के लिए छोड़ दूंगी। काजू से ना क्या हो जाता है, ग्रेवी का टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। तो एक मिनट बाद हमें ऐड करना है पानी, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है। इसको मिला लेना है और इसको अभी 2 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। बॉयल आ गया है, तो अभी हमको डालना है ये पनीर, अनियन एंड कैप्सिकम। इसको मिला देना है।
और अभी इसको लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाना है। तो मेरा कढ़ाई पनीर अभी रेडी है। अभी बारी है कसूरी मेथी के। मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ, इससे ना एकदम दुकान जैसा वो स्मेल आता है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। और इसको भी मिला लेना है। और 1 मिनट के लिए इसको भी होने देना है, तो स्मेल एकदम अंदर आ जाएगा। तो 1 मिनट के लिए वेट करिए। तो मेरा कढ़ाई पनीर अभी रेडी है। अभी बारी है सर्विंग के, तो सर्विंग करते हैं। तो मेरा कढ़ाई पनीर अभी रेडी एंड सर्व। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर भी करना और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बन गया मेरा रेसिपी।